भगवान की जय। आज देखो आप यहाँ पे धर्मारण्य तीर्थ पे हैं, तो धर्मारण्य तीर्थ पे सबसे पहले तो अपन ने सरस्वती नदी पे तर्पण किया। तर्पण करने के बाद में पंचरत्न का दान किया। उसके बाद में यहाँ पे तीन वेदियाँ हैं, ब्रह्मकूप, धर्मारण्य और मतंगवापी। यहाँ पे युधिष्ठर ने यहाँ पे यज्ञ किया था, पिंडदान किया था और बड़ा महत्व है। और सरस्वती नदी का स्नान भी हुआ, तर्पण भी हुआ नदी में जाकर, नदी के तीर पर। एक यहाँ पे क्या होता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण क्यों करना चाहिए, इसलिए शास्त्रों में तीन ऋण बताए हैं। तो पहला ऋण है देव ऋण। देव ऋण कैसे जाएगा? भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा से उतर जाता है। जब भगवान की पूजा करते हैं तो देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण किससे जाता है? शिव जी की पूजा, दान पुण्य करने से शिव का ऋण, जो ऋषि ऋण है वो उतर जाता है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे जाता है? पितृ पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करें, पिंडदान करें और तर्पण करें, उससे पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। घर परिवार के मृत सदस्य जो भी गुजर गए हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करें, पिंडदान करें, तर्पण करें। मान्यता है कि पितृपक्ष में घर परिवार के पितर देव अपने पूर्वजों को देखने के लिए धरती पर उनके शरीर पर व्याप्त हो जाते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए श्राद्ध करता है या नहीं करता है। अगर श्राद्ध करते हैं तो तृप्त होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं, और अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो निराश होकर जाते हैं, और निराश होने के बाद में घर पे पितृ दोष लगा देते हैं। तो उससे हमें तरह तरह के विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। व्यापार मंदा हो जाता है, संतान कमजोर हो जाती है, कई तरह की व्यापार में भी बाधाएं आती हैं। इन समस्त बाधाओं की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। बोलो पितृ भगवान की जय।